ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਫਡਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ सबसे पुराना अगर कोई साथी है तो शिवसेना और अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी का हर समय पर, अच्छे बुरे हर समय पर साथ दिया है। और मुझे आनंद है कि जो थोड़ा मनमुटाव बीच में हुआ था, हालांकि हम सरकार में साथ में ही थे दोनों सरकारों में, परंतु जो थोड़ा मनमुटाव था आज यहीं इसी टेबल पर इसी क्षण सारा मनमुटाव समाप्त कर दोनों पार्टियां एक साथ आगे बढ़ने का निर्णय किया है, तो इसका मुझे बहुत बहुत आनंद है। और भारतीय जनता पार्टी और सेना की युति केवल एक राजनीतिक युति नहीं है, सिद्धांतों के आधार पर भी ये युति है। राम मंदिर, देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, ये सारे मुद्दों लेकर दोनों पार्टियों ने दशकों तक संघर्ष किया है और विजय भी प्राप्त करी है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों चुनाव में महाराष्ट्र में हम विजयी बनेंगे। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, कुछ दिन पहले मैंने पुणे में एक आंकड़ा कहा था, मैं रिपीट करना चाहता हूं। सेना भाजपा युति मिनिमम 45 सीट से ये विजय लोकसभा के अंदर प्राप्त करेगी, 48 में से 45 सीट। अगर दोनों पक्ष आज एक साथ में आए हैं तो आंकड़ा अपने आप सिद्ध होने वाला है।